गाइस मेरी बताई हुई आसान सी एक्सरसाइजेस को फॉलो कर लीजिए। फिफ्टीन डेज में आपका थाई फैट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपकी थाई को एक बहुत अच्छा सेक्सी लुक मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपकी बूटी बहुत ज़्यादा हेवी है तो वहाँ का फैट भी रिड्यूस होगा और उसको भी एक बहुत ही अच्छा फुलर और टोन शेप मिलेगा। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अगर आप ये वर्कआउट करेंगे तो अगर आपके थाइस के बीच में जैसे गैप नहीं है, क्योंकि गर्ल्स को क्या प्रॉब्लम आता है, जो हमारी थाइज़ होती हैं अगर वो बहुत ज़्यादा हेवी होती तो उनके बीच में गैप खत्म हो जाता है, तो चलने के टाइम पर हमें रैशेज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे ही इन एक्सरसाइजेस को बॉयज़ भी फॉलो कर सकते हैं, गर्ल्स भी, छोटे बच्चे भी, हर कोई फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर मैं गर्ल्स के लिए कभी वीडियो नहीं बनाती, बॉयज़ के लिए भी बनाती हूँ एक्सरसाइज वाली। तो चलिए सब लोग मिलकर फॉलो करते हैं, और अगर आपको वीडियो इतना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार मेरी मेहनत के लिए लाइक कर दिया करो, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो क्या चाहिए आपको और नई वीडियोज़ में, या ये वाला वीडियो कैसा लगा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करो। और साथ में इंस्टा पे मुझे फॉलो ज़रूर करना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ishramehra, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से स्ट्रेट खड़े हो जाना है और उसके बाद में हमें बिल्कुल ज़मीन को टच करना है। कैसे, देखिए इस तरीके से अपने पहले पैरों के बीच में आप शोल्डर जितना गैप मेंटेन करें, डाउन जाएं, बॉडी को डाउन ले जाते टाइम आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप डाउन जा रहे हैं तो आपके जो ये वाला मसल है हैमस्ट्रिंग, इस पे आपका बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, बिल्कुल बेंड होना है, आपने अपने हिप को बिल्कुल बाहर की तरफ करना है, अपने अपर जो बॉडी है उसको बिल्कुल आगे की तरफ ट्विस्ट करते हुए बेंड होना है, देन धीरे से स्ट्रेट, बिल्कुल स्लो मोशन में आपने एक्सरसाइज करनी है। जितना स्लो मोशन में करेंगे उतना ही जल्दी आपकी लेग्स को बहुत अच्छा शेप मिलेगा। ठीक है, तो इसको हमें करना है 20 टाइम्स और इसके हमें करने हैं 3 सेट, यानी 60 टाइम्स हमें इसको रिपीट करना है। और इस वीडियो में बताने जाने वाली, मतलब मैं जो बता रही हूँ एक्सरसाइजेस, सारी आपको फॉलो करनी है, ये मत पूछना कोई एक कर सकते हैं दो कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, सारी करनी है। रिलैक्स, ठीक है, बिल्कुल स्लो मोशन में नीचे जाएंगे, बिल्कुल स्लो मोशन में ऊपर आएंगे। क्यों आएंगे स्लो मोशन में, उसके पीछे भी लॉजिक सुन लीजिए। जब आप जितना स्लो मोशन में एक्सरसाइज करते हैं उतना ही आपकी मसल पे ज़्यादा लोड पड़ता है, और कम एक्सरसाइज में ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है, अकॉर्डिंग टू अगर आप इसको फास्ट करोगे तो। कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको फास्ट किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम एक्सरसाइजेस को जब हम एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को टारगेट करते हैं तो उनको स्लो मोशन में किया जाता है। जब आप डाउन साइड जा रहे हैं तो आप ब्रीथ आउट करेंगे बिकॉज आप मसल एंगेज हो रहा है, जब आप अप साइड जा रहे हैं तो आप रिलैक्स कर रहे हैं, आपका मसल एकदम रिलैक्स पोजीशन में है, तो ब्रीथ इन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लंजेस। ठीक है, इसमें आप एक फीट आगे रखेंगे, हम बार बार सेम पोजीशन में नहीं आएंगे, बैक साइड रखेंगे पैर को। ठीक है, और उसके बाद में हमें इस तरीके से बेंड हो जाना है, मेक श्योर कि आपका ये वाला नी आपके टो से यानी पंजों से आगे नहीं जाएगा, वहीं पर आपने बेंड हो जाना है। दोबारा से पोजीशन देखिए, इसको पीछे जितना हो सकता है आपने पीछे रखना है। ठीक है, ये हुआ वन साइड, सेम अदर साइड पे भी आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है। अदर लेग को आप आगे रखेंगे, दूसरी वाली को आप बैक साइड पे रखेंगे, उसके बाद में आपने बेंड होना है।
जब आप नीचे जा रहे हैं ब्रीथ आउट, ऊपर आ रहे हैं ब्रीथ इन. रिलैक्स. जब आप ये वर्कआउट करेंगे ऑनेस्टी के साथ, जितने आपको सेट्स बताए जा रहे हैं उतने और उतने ही रैप्स करेंगे, ठीक है. यानी अभी तक मैंने आपको हर एक्सरसाइज को बताया है 60 टाइम रिपीट करना. तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि दो एक्सरसाइजेस की स्टार्टिंग की दो एक्सरसाइज फॉलो करके ही आपकी लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, मे बी जैसे हम कहते हैं गिलट पड़ जाते हैं वो भी फील होगा, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में भी प्रॉब्लम होगी. लेकिन डोंट वरी, दवाई ववाई मत खा लेना, डॉक्टर के पास मत चले जाना, ठीक है. घर पर रहना, रिलैक्स करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एक दो दिन में हैबिट पड़ जाएगी, ठीक है. इन एक्सरसाइजेस को आपने रेगुलर नहीं करना, ऑल्टरनेटिव डेज में करना है. सपोज आपने मंडे किया, वेडनेसडे किया, देन उसके बाद फ्राइडे, देन संडे, इस तरीके से करना है, ठीक है. तो चलिए यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ. नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपनी बॉडी का बैलेंस बनाना है. जब आपका बॉडी वेट ज़्यादा होता है, चाहे थाई हो या अपर बॉडी, तो थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉब्लम आएगा. लेकिन अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी आपकी बूटी के फैट को, आपके थाई के फैट को रिड्यूस करेगा, ठीक है. इसके लिए आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेट खड़े हो जाना है, क्लैप करना है लेग को ऊपर उठाकर, देन उसके बाद बैक साइड लेकर जाना है और फ्लो टच करना है, ठीक है. अगेन क्लैप, बैक साइड, फ्लो टच, ठीक है. इस तरीके से आपको इसको परफॉर्म करना है. 20 टाइम्स आपने करना है राइट साइड, 20 टाइम्स आपने करना है लेफ्ट साइड, और इसके करने हैं आपने टू सेट्स, यानी ईच साइड टू सेट्स करने हैं, ठीक है. तो चलिए परफॉर्म करते हैं. रिलैक्स. यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. अगर आप मेरा कोई भी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको अगर सिंगल साइड करके दिखा रही हूँ, उसका मतलब होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होता है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा. लेकिन आपने उस एक्सरसाइज को दोनों लेग्स पे परफॉर्म करना है, ना कि सिंगल पर, ठीक है. तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ. अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए हम दोनों तरह के स्क्वाट करेंगे एक ही एक्सरसाइज में. पहले आपने अपने पैरों के बीच में शोल्डर जितना गैप मेंटेन करना है, अपनी बूटी को अपने बैक साइड पे लेके जाना है, यानी हिप को. उसके बाद में आपने अपनी कमर स्ट्रेट रखते हुए नीचे बेंड होना है. जब आप बेंड होंगे फिर अप होंगे, तो आपने घुटने नहीं खोलने, नीज को आपने लॉक नहीं करना, इस तरीके से लॉक नहीं करना. लॉक करोगे तो लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाएंगे, बिकॉज ख़राब हो जाएंगे नीज. तो हल्का बेंड रखना है, दोबारा नीचे जाना है, फिर अप करना है. जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम आपको वैसे करना है, ठीक है. जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपका ब्रीथ आउट आप करेंगे, जब अपसाइड आ रहे हैं तो ब्रीथ इन करेंगे. तो उसके बाद में हमने इस तरीके से एक स्क्वाट हमने करना है, इस तरीके से नॉर्मल. फिर हमने पैरों को वाइड करना है ऐसे, फिर सूमो, अगेन अप. ठीक है, ये हमारा पोजीशन रहेगा. फ्रंट आपने स्क्वाट एक ऐसे करना है, फिर आपने लेग्स ओपन कर लेना है उसी एरिया में, घुटने नहीं खोलने हैं, ट्राई करना है घुटने ओपन ना हो. 20 टाइम्स, 4 सेट्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको वेट की रिक्वायरमेंट है. आप डंबल ले सकते हैं 3-3 kg के, या फिर आप वाटर बॉटल ले सकते हैं 1-1 liter की या 2 liters की. लेकिन स्टार्टिंग में आपको कहूँगी 1 liter की बॉटल से स्टार्ट करके 2 liter पे ज़रूर आएँ, या हो सके तो डंबल ज़रूर ले लें, बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं. तो जितना आप वेट लेके एक्सरसाइज करते हैं उतनी ही आपकी बॉडी जल्दी टोन होती है, ठीक है.
तो उसके बाद आपने पैरों को इस तरीके से लाई डाउन कर लेना है मैट पे, ठीक है। अपने लेग्स के बीच में गैप मेंटेन करना है। उसके बाद में आपने इस तरीके से वाटर बॉटल को अपसाइड रखना है और उसके बाद में अपने डाउन साइड ऐसे जाना है, हिप को अपने बीच में ऐसे रखना है, बिल्कुल सेट नहीं होना है, हल्का सा ऐसे अपसाइड रखते हुए वापस, ठीक है, 20 टाइम्स और 3 सेट। रिलैक्स। तो यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहे मेरी मेहनत के लिए, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, बहुत सारा सारी जगह फैला दिया करो, ठीक है, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव सबके साथ में। तो मैं ऐसे हमेशा आपके लिए कुछ नया और बेहतरीन लाती रहूँगी, आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।